हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन आज की क्लास में हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शन की फर्स्ट क्लास में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन टाइप्स ऑफ डिसकन्टीन्यूअस फंक्शन आई होप आपको जो डेफिनेशन है क्लियर हो चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं मैंने आपको बताया था फर्स्ट काइंड कॉन्टीन्यूट डिसकॉन्टीन्यूटी सेकेंड काइंड डिसकॉन्टीन्यूटी एंड रिमूवेबल डिस्कटीन्यूटी ये थ्री डिसकॉन्टीन्यूटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनीशन्स भी पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है तो एग्जाम्पल जब हम आगे इसके सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तब हम डिस्कस uh, करेंगे कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ठीक है ठेके? तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल राइट right? चलिए देखते हैं थ्योरम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की एक एक थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है माने आपने अगर ये थ्योरम्स नहीं की तो जब आप आगे सेमेस्टर्स में जा रहे हो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर में वहाँ पर आपको इन पर बेस्ड और भी बहुत सारी थ्योरम्स मिलने वाली है अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में सिक्वेंस एंड सीरीज बुक में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पास है थ्योरम फर्स्ट इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट ए एक फंक्शन एफ आपको गिवन है जो कि कॉन्टीन्यूअस है ए पर इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एफ पॉजिटिव देर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सज दैट मोड ऑफ एफ ओ फैक्स वन माइनस एफ ओफ एक्स टू लेस एन एफ वन एवर एक्स एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा यहाँ पर देखिए अगर एफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है राइट right? और अगर ये कंडीशन गिवन है तो एफ को प्रूव करना है यहां पर हम लेकर चलते हैं सबसे पहले लेट फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ठीक है जी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं देन फॉर एच एफ ऑन पॉजिटिव फॉर ईच एफ साइड पॉजिटिव देर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सज दैट एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए ए पर कॉन्टीन्यूस फंक्शन केवन है ना यहां पर लिख दो एट पॉइंट ए ए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो डेफिनेशन क्या कहती है एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ एस एफ साइन ऑन फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा यानी कि जैसे ही एक्स जो हो वो लाई करता है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में तो एफ ओफ एक्स और एफ ओफ ए का जो डिस्टेंस है वो एफसाइलन से भी लेस हो जाता है ठीक है ये हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि एफसाइलन बाय टू लेस होता है एफसाइलोन से होता है ना हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स कुछ चेंजेस करने होते हैं डेफिनेशन में वो क्यों करने होते हैं ताकि हम आगे जा के डेफिनेशन में उसका यूज सॉरी जो प्रूफ है उसमें यूज कर सके कैसे कि भाई एफ बाय टू एफ से लेस होता है क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकती हूं दिस टर्म अगर ये टर्म एफ से लेस है सो दिस इज एफ बाय टू यहां पे लिख दिया हमने राइट तो ये जो टर्म हम लेकर चलते हैं एफसाइलन इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पर आप ये जो टर्म ले रहे हो ये लेस देन एफसाइलन बाय टू हमने इसलिए लिया एफसाइलन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जब आगे ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं टू पॉइंट्स के लिए मुझे चाहिए इसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा ठीक है अभी आगे देखते हैं कैसे हमें इसको यूज़ करना है मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है एफ एक्स वन माइनस एफ ओफ एक्स टू लेस एन एफ साइलन वैन एवर एक्स एक्स टू लाइज अब देखिए अगर मैं एक्स को लेती हूँ एक्स वन एंड एक्स को लेती हूँ एक्स टू दोनों जो पॉइंट्स हैं किसके बीच में लाई कर रहे हैं दोनों ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहे हैं मीन्स मैं यहाँ पे एक्स वन एक्स टू जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहे हैं जो भी नंबर इन इस इंटरवल में लाई करता है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है जैसे मैंने कहा अभी कि एक्स अगर a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है देन माइनस किया मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एफ सेवन बाई टू से भी लेस होगा अंडरस्टैंड तो यहां पर अगर ये पॉइंट भी हमने कहा ना फॉर ऑल उन सभी पॉइंट्स के लिए जो इस इंटरवल में लाइ करते हैं तो x1, x2 भी तो इसी इंटरवल में लाइ करते हैं ना हमें बोला गया है ओके सो हेयर फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा वी कैन राइट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन एक्स के प्लेस पर अगर मैं एक्स वन लेती हूँ एफ ओफ ए तो एफ ओफ एक्स वन और एफ ओफ ए का डिस्टेंस या दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी किससे लेस होगा एफ साइलन बाय टू से लेस होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड समझ में आ गया यहाँ पे हमने एक्स वन क्यों लिया क्योंकि हमें बोला गया है कि एक्स वन इस इंटरवल में लाई करता है इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं क्लियर दैट यही कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है कि भाई ये इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एफ बाय बाई टू होगा कब जब हर एक एक्स हर एक एक्स यानी कि हर एक पॉइंट जो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा चलिए एफ एफ एक्स टू एंड एफ ओफ एक्स टू माइनस एफ ओफ़ ए लेस देन एफ साइलन बाई टू इसलिए हमने एफ साइलन बाई टू लिया ताकि हम जब इनको ऐड कर दें तो हमें एफ साइलन बाई टू प्लस एफ सैलन बाई टू एफ साइलोन मिल जाए राइट सो नाउ हमें तो ये वाली इनक्वालिटी प्रूव करनी है मैं यहां पे ले लेती हूं नाउ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूं एफ ओफ एक्स वन माइनस एफ ओफ एक्स टू दिस इक्वल्स टू एफ ओफ एक्स वन माइनस एफ ओफ एक्स टू इसमें हमने एफ ओफ ए को ऐड कर दिया और सब कर दिया ताकि हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकें राइट दिस इक्वल्स टू अब यहां से एफ ओफ एक्स वन और एफ ओफ ए को मुझे एक साथ लेना है है ना तो ये टर्म और एक नेगेटिव टर्म ये वाले ले लेते हैं एफ ओफ एक्स वन माइनस एफ ओफ ए माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से एफ ओफ एक्स टू माइनस एफ ओफ ए लिख सकते हैं ऐसा मॉडल एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू ये जो अगर मैं मॉडलर्स में दो टर्म्स को ओपन करती हूँ मॉड ऑफ एफ ओफ एक्स वन माइनस एफ ओ ए प्लस एफ ओफ एक्स टू माइनस एफ ए ठीक है ये किससे लेस है लेस देन एफ सेलन बाई टू ये किससे लेस है इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ कर लो किसके आ गया एफसेलन के लेस आ गया तो मुझे ये लेस देन एफसेलन प्रूव कर रहा था इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लेस लेसन एफसेलन बाय टू ले लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ इतना बताना होता है कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस बहुत बहुत छोटा नंबर आना चाहिए एफसेलन नंबर हमें बोला गया कि पॉजिटिव होता है बट वेरी वेरी स्मॉल नंबर ओके तो एफ सेलन बाई टू तो इससे भी छोटा जाएगा एफसेलन से भी स्मॉल नंबर होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफसेलन बाई टू क्लियर हम लेकर चले थे यहाँ पे एफ ओफ एक्स वन माइनस एफ ओफ एक्स टू मॉडुलेस किससे लेस आ गया लेस देन एफ आइन कब लेस आया है जब एक्स वन एक्स टू का बिलोंग कर रहे हैं ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में तो इस टाइप से हमें प्रूव करना है एक पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है कि एफ कॉन्टीन्यूस है तो ये इनक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी अब हम लेकर चलेंगे इनक्वालिटी गिवन है एफ को कॉन्टीन्यूस प्रूव कीजिए रफ कर लेते हैं देन कॉन्टिन्यू कन्वर्स पार्ट देखते हैं कन्वर्स पार्ट में हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इनका जो मोडलस है डिफरेंस है किस है एफसाइलॉन से कब वन एवर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में ठीक है तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एफसाइलॉन जो ये हमारे पास लेस देन एफसाइलोन होगा कब जब एक्स वन एक्स टू लाई करते हैं ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में यहाँ पर मैं कॉन्टीन्यूस मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन ए पर कॉन्टीन्यूस है एक्स वन को मैं एक्स ले लेती हूँ एंड एक्स टू को पुट कर लेते हैं ए इन दिस इंक्वेशन सो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स सॉरी एक्स वन की वैल्यू पुट किया यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू पुट किया लेस देन एफसाइल ऑन वैन एवर एक्स माइनस यहां पर आप बता सकते हो एक्स और ए कहाँ बिलोंग कर रहे हैं एक्स ए बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ठीक है जी आप इसको ऐसा लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा क्लियर क्योंकि एक्स अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए नंबर इज लेस देन डेल्टा ओपन कीजिएगा तो इसको अगर मोडल्स की प्रॉपर्टी से ओपन करते हैं सो एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ठीक है तो x की ही कंडीशन हमें बतानी थी क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर आप a को ना भी बताते हैं अगर a लाइन नहीं करता है यहाँ पे इस इंटरवल में मुझे सिर्फ x को यहाँ पे लेकर चलना है कि x जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लेस देन लेफ्ट साइड में राइट right. तो यहाँ पर देख सकते हो कि किसकी डेफिनेशन होती है कंटिन्यूस की सो देयर वी कैन से दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस किस पॉइंट पर ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए क्लियर नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्लियर अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इन एन इंटरवल आई इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए वेयर ए बिलोंग्स इंटरवल I, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस x n विच कन्वर्जेज टू a, देन सीक्वेंस एफ ओफ एक्स एन कन्वर्जिज टू एफ ओफ ए अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास अलग टॉपिक आ जाता है सीक्वेंस का और सीक्वेंस क्या होती है कन्वर्ज कब करती है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बाद हम ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की क्या होती है सीक्वेंस अगर मैं कुछ टर्म्स यहां पर लिख दूँ वन वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर वन बाय फाइव अप टू सॉल्व ठीक है सीक्वेंस को हमेशा इस टाइप से हम डिनोट करते हैं दिस ये नोटेशन होती है सीक्वेंस की ओके अगर मैं यहां पर लिख दूँ वन uh, स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर एंड अप टू सम तो किसी रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ टर्म्स की अरेंजमेंट करके दे दी जाती है उसको हम कहेंगे एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग उसको हम सीक्वेंस कहते हैं सीक्वेंस हमेशा इन्फाइट होती है बट यहाँ पर क्योंकि देखिए सीक्वेंस जो होती है ना इसकी एनथ टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं समझ में आया ये एनथ टर्म होती है सीक्वेंस की क्लियर अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म बताने जैसे कि इसके पास फर्स्ट टर्म है वन तो यहां पे मैं लिखूंगी ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म ए टू यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस ए थ्री थर्ड टर्म ए फोर फोर्थ टर्म इस टाइम से हम इसको बताते हैं इसके टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के अभी हम बात करें कि जो सीक्वेंस है सीक्वेंस आपके पास है इसका डोमेन जो जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है यानी कि यहाँ पे जो एन नंबर है ना जो एन एस टर्म हम लेकर चले एन कहाँ बिलोंग करता है नेचुरल नंबर और जो इसकी रेंज होती है वो होती है रियल नंबर्स का सबसेट इसीलिए हमने कहा कि सीक्वेंस जो होगी क्या रहेगी वो इनफाइनाइट क्योंकि सीक्वेंस जब हम बताते हैं आप यहाँ पे लेकर चलोगे ए एन मेरे पास सीक्वेंस है नेचुरल नंबर रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर यहाँ पे आप एन एन uh, को वन पुट कीजिएगा ए वन टू पुट करोगे और oh. यहाँ पर मैं n की वैल्यू लेकर चलूंगी ए वन टू थ्री फोर फाइव टू सन जब आपने यहाँ पे पुट किया तो इधर आ गया मेरे पास ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू सन यानी कि जो रियल नंबर्स का जो सबसेट होगा वो सीक्वेंस की टर्म्स जो होंगी ये सबसेट है रियल नंबर का समझ गए तो ये जो रिजल्ट आएगा यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया एन को ये जो स्मॉल एन आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्मॉल एन ये नेचुरल नंबर होते हैं एन जो नेचुरल नंबर्स यहाँ पर हम लेकर चलते हैं तभी हम इसकी टर्म्स को यहाँ पर बता सकते हैं ठीक है तो सीक्वेंस क्या होती है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम टर्म्स को अरेंज कर देते हैं उसको हम सीक्वेंस कहते हैं ठीक है जी अब यहाँ पर बात आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की अगर कांस्टेंट सीक्वेंस और देख लेते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है कॉन्स्टेंट सीक्वेंस जिसमें एक ही टर्म चलती जाती है जैसे कि आ, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इसकी अगर मैं एन एस टर्म बताती हूँ तो मुझे क्या मिलेगी फर्स्ट टर्म वन बाय वन सेकेंड वन बाय टू थर्ड वन बाय थ्री ऐसी एन एस टर्म निकालोगे तो वन बाय एन आ जाएगा यहां से देखिएगा इसकी अगर एनएस टर्म फाइंड आउट करोगे सो वन स्क्वायर टू स्क्वायर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू सॉन एन एच के पास जाओगे तो एन स्क्वायर आ गया तो इस इस टाइप से हम एन एस टर्म फाइंड आउट करते हैं किसी भी सीक्वेंस की है ना अगर आपको कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बताना है तो हमारे पास क्या होगा एक ही नंबर चलता जाएगा एक ही नंबर चलता जाएगा यानी कि एनएस टर्म भी क्या होगी इसकी सी होगी एनी कॉन्स्टेंट नंबर इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ओके okay. अब सीक्वेंस कन्वर्स कब करती है कन्वर्स कब करती है दो टाइप के डेफिनेशन पढ़ेंगे लिमिट के केस में भी और एक हम एब्साइजन डेल्टा के केस में भी अगर मैं यहाँ एन एस टर्म पर लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी अप्लाई कर देती हूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी अभी हमने कहा ना कि सीक्वेंस जो होती है वो रियल नंबर्स का सबसेट होती, होती है इन्फाइट नंबर्स होते हैं इन्फाइन नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं सीक्वेंस में है ना अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि बहुत लास्ट तक हम अगर सीक्वेंस uh, यहाँ पे लिमिट पुट करें जैसे कि अभी मैंने कहा कि टर्म्स मिलेंगे आपको एन को वन पुट किया फ़र्स्ट टर्म मिल गई एन को टू पुट किया आपको सेकेंड टर्म मिल गई इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो सीक्वेंस में एंड टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं लेती हूँ और वहाँ पर मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है

यहाँ पर अगर आपने लिमिट अप्लाई किया एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर राइट इन्फिनी पुट करोगे तो इन्फिनी आ गया आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है उस केस में हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस है डाइवर्जेंट सीक्वेंस ओके ये सीक्वेंस डाइवर्स करती है अंडरस्टैंड तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अगर आपको एल एल इज एन फाइनाइट नंबर क्या है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्लियर अब यहां पर हम देखते हैं एफाइलोन की फॉर्म में कि आपको कैसे बताना है अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्स करती है देन देखिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं लेफ्ट सीक्वेंस ए एन और बताएंगे कैसे नोटेशन क्या होती है एरो का सिंबल एन इसका मतलब यह हुआ कि सीक्वेंस ए एन एल को कन्वर्स करती है और लाइट right? तो सीक्वेंस ए एन एल को कन्वर्स करेगी एनी एल इज एनी रियल नंबर एनी रियल नंबर ठीक है इफ फॉर एफसाइल पॉजिटिव यही चीज आपको ध्यान देनी है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ठीक है फॉर एफसाइल पॉजिटिव कितना भी छोटा हो सकता है हाउ एवर स्मॉल इट मे बी कितना भी छोटा नंबर हो सकता है देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम सज दैट अब इस एम का क्या रोल है यहाँ पे अभी समझते हैं सज so दैट मोड ऑफ एन माइनस एल लेस देन एफ साइन ऑन वन एवर या फॉर ऑल लिख सकते हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े हमने कहा कि ए एन और एल का डिफरेंस बहुत छोटा हो कब जब आपने एन की वैल्यू किसी एक फिक्स नंबर से ज़्यादा ली है मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है जीरो नंबर एंड अप अपू सॉन ये एन एथ नंबर हमारे पास एम ले लेते हैं एंड इसके बाद भी हमारे पास नंबर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं ठीक है जी अब इन्फानाइट नंबर है तो जो हमारे राइट साइड पे होंगे प्लस इन्फीनिटी होगा राइट right? तो ये कहता है कि एल को कोई भी सीक्वेंस एल को कन्वर्स कब करती है जब ए एन सीक्वेंस और एल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा हो कब हर एक उस नंबर के लिए m के लिए m के बाद क्या आएगा m प्लस वन आएगा इसके बाद m प्लस टू आएगा इसके बाद m प्लस थ्री आएगा इस टाइप से m से n की वैल्यू आप m के इक्वल लो या m से बड़ी लो आप इधर का कोई भी नंबर ले लो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ मैं एम की वैल्यू ले लेती हूँ टेन यानी कि टेनथ टर्म लीजिए या इलेवेंथ लीजिए ट्वेल्थ लीजिए थर्टीन लीजिए फोर्टीनथ लीजिए ए एन और एल का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही छोटा बहुत ही स्मॉल हमें मिलने वाला है ए एन माइनस एल लेस देन एफ साइलॉन ए टेन माइनस एल लेस देन एफ साइलॉन ए इलेवन माइनस एल लेस देन एफ तो हम कहेंगे कि एल जो है वो लिमिट है इस सीक्वेंस की ए एन कन्वर्स करेगी एल लिमिट को अंडरस्टैंड यहाँ पर जो इससे पहले टर्म्स हैं इनका डिफरेंस जैसे कि मैं यहाँ पर लेकर चलूँ ए वन ए टू अपू सन यहाँ पर मैंने एम एथ लिया है इनका डिफरेंस हमें मैटर नहीं करता यहाँ पर क्या लेना है मैटर क्या करेगा हमें एक पॉजिटिव नंबर अभी हमने कहा ना कि एम हमने लिया है एक पॉजिटिव नंबर ठीक है कोई भी पॉजिटिव नंबर एम जो हो सकता है यहाँ पर जो एम पॉजिटिव बल्कि इंटीजर लिखी है यहाँ पर एनी पॉजिटिव इंटीजर नॉट नंबर पॉजिटिव इंटीजर क्यों क्योंकि हमें एन नेचुरल नंबर लेना होता है स्मॉल एन जिससे हमें टर्म्स मिलती है सीक्वेंस की कि ये टेनथ टर्म है ये इलेवेंथ टर्म है ये ट्वेल्थ टर्म है तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही हो जाएगा है ना तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हम लेकर चलेंगे पॉजिटिव इंटीजर एम तभी तो हम यहाँ पे टर्म्स लेकर चलेंगे ना एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एम राइट तो तब हम कहेंगे कि ए एन जो है वो एल लिमिट को कन्वर्स करती है यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि एक्स फंक्शन सबसे पहले डिफाइंड है आई इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है ए पॉइंट पर इफ़ एंड ओनली इफ अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो कन्वर्स पार्ट में बोला गया है कि एक्स एन विच कन्वर्जिज टू ए अगर एक्स एन सीक्वेंस ए को कन्वर्स करती है हमेशा सीक्वेंस अगर नाम आ गया तो आपको ये सिंबल लगाना पड़ेगा अदरवाइज़ ये टर्म कोई भी नंबर माना जाएगा सीक्वेंस नहीं मानी जाएगी एक्सन अगर ए को कन्वर्स करती है तो हमें प्रूव करना है कि एफ ओफ़ एक्सन एफ ऑफ ए को कन्वर्स करती है अब हम थ्योरम कर लेते हैं आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डाइवर्जेंट के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं सिंपली अगर लिमिट की केस में कहूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक पूरी बुक आपके पास है पूरा पेपर आपके पास है तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमें जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कब करती है ये हमारी एफ्साइलन जो डेफिनेशन होती है और अगर हम लिमिट के केस में देखेंगे तो लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो सीक्वेंस कन्वर्स करेगी और इनफाइनाइट वैल्यू अगर मिलेगी इन्फिनिटी अगर हमें मिलता है किसी भी सीक्वेंस के केस में वो सीक्वेंस डाइवर्स करेगी ठीक है चलिए देखते हैं इसका प्रूफ चलिए भाई प्रूफ देखते हैं सबसे पहले हम लेकर चलते कंडीशन इज लेट फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए एंड कन्वर्स पार्ट में क्या प्रूव करोगे अगर एक्स एन ए को कन्वर्स करती है तो सीक्वेंस एफ एफ ओ फस एन एफ ओफ ए को कन्वर्स करे ये प्रूव करना है एंड तो ये भी हमें लेकर चलना पड़ेगा ना गिवन है क्या गिवन है कि सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेज कन्वर्जेज टू पॉइंट ए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कन्वर्जेज टू ए ठीक है प्रूव यहां पे करेंगे कि कन्वर्जेज टू एफ ओफ ए ये हमें प्रूव करना है राइट right? तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसका यूज कर लेते हैं फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस गिवन है फॉर एफ साइल पॉजिटिव देर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव such that mode of f of x minus f of a less than epsilon for all x minus a less than delta. Equation number first. Okay. First, we are told that sequence as sequence xn converges to a, then for epsilon positive पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एम सैट मोड ऑफ एक्स एन माइनस किस को कन्वर्स कर रही है ए को कन्वर्स कर रही है सो एक्स एन माइनस ए लेस देन एफ साइलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकेंड ये हमें गिवन है क्लियर अब हमें जो प्रूव करना है कि हमें बताना है कि एफ ओफ एक्स कन्वर्स करेगा एफ ओ फे को इसका मतलब हमें यह बताना है मोड ऑफ एफ ओफ एक्स एन माइनस एफ ओ फे को कन्वर्स कर रहा है ना एफ ओफ ए लेस देन एफ साइल फॉर ऑल एक्स एन माइनस देखिए यहाँ पे ओ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन अगर मुझे ये बताना है कि एफ ओ फेक्सन एफ ओ फे को कन्वर्स कर रही है ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्स कर रही है इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ओ फैक्सन और एफ ओ फे का डिफरेंस लेस देन ऑफन होगा फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम बता सकते हैं क्या कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करती हूँ और एक्स को मैं ले लेती हूँ एक्स एन देन मॉड ऑफ एफ ओ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एफसाइलॉन फॉर ऑल एक्स एन माइनस ए लेस देन डेल्टा अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो एफसाइलॉन पर डिपेंड करती है अगर मैं इसको एफसाइलॉन ले लेती हूँ इट मीन्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एफसाइलॉन फॉर ऑल ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का भी यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एक्स एन माइनस ए लेस देन मैंने डेल्टा को एबसाइलोन लिया और ये कंडीशन सेकेंड इक्वेशन क्या कहते हैं ये कंडीशन कब होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ठीक है दैट मीन्स वी कैन सेट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एफ साइलोन फॉर ऑल एन ग्रेटर टाइप से हमें प्रूव करना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स एन सीक्वेंस ए को कन्वर्स करती है तो एफ ऑफ एक्सएन सीक्वेंस एफ ऑफ ए पॉइंट को कन्वर्स करेगी राइट इसका कन्वर्स पार्ट देख लेते कन्वर्स पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स एन सीक्वेंस किसको कन्वर्स है ए को देन या एम्प्लाइज दैट कैसे लिख सकते हो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेज टू एफ ओ फे मतलब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि एफ ऑफ एक्स एन एफ ओफ ए को कन्वर्स तभी करेगी जब एक्स एन सीक्वेंस ए को कन्वर्स करेगी ये हमें गिवन है हमें प्रूव करना है यहाँ पे प्रूव दैट फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट पॉइंट ए ये हमें प्रूव करना है कन्वर्स पार्ट के लिए यानी कि आपको को प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको हम यहाँ पे लेकर चलते हैं लेट एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट पॉइंट ए देन फोर एफ साइल ऑन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सज दैट अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है तो कैसे लिखेंगे एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एफसाइलन ना होकर के ग्रेटर देन एफसाइलन होगा फॉर ओल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एक्स और ए का डिस्टेंस तो डेल्टा से लेस ही रहेगा लेकिन इन दोनों का डिफरेंस एफ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा इट मीन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट पॉइंट हमने यही कहा हम लेकर चले हैं कि एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो के हमने डेफिनेशन अप्लाई कर क्लियर अगर मैं यहां पे ले लेती हूं एक्स को एक्स एन ठीक है जी एंड डेल्टा को हमने लिया वन बाई एन वे एन क्या है सीक्वेंस के केस में हमने एन क्या लिया है पॉजिटिव इंटीजर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर सो देयर फॉर अगर मैं ये चेंजेस करती हूं यहां पर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ साइन फॉर ऑल एक्स एन माइनस ए लेस देन वन बाय एन ठीक है अब जरा ये हमें ध्यान से देखना है कि भाई एक्स एन माइनस ए सीक्वेंस एन की वैल्यू आप कितनी भी बड़ी ले लीजिए आपको इन दोनों का डिफरेंस उतना ही छोटा मिलेगा n हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, है ना जितना आप एन को लार्ज लोगे वन बाय एन वैल्यू उतनी आपको छोटी मिलती जाएगी दैट मीन्स एक्स एन माइनस ए का डिफरेंस क्या है लेस देन किसके वेरी स्मॉल नंबर दैट मीन्स एक्स एन जो वो कन्वर्स करती है ए को क्लियर सो नाउ अगर मैं यहां पर लिखू नाउ एक्स एन माइनस ए लेस देन वन बाई एन एंड एफ ओफ एक्स एन माइनस एफ ओफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ साइन ऑन इंप्लाइज दैट एक्स एन कन्वर्जेज टू ए बट एफ ओफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेज टू एफ ओफ ए यही मीनिंग हुआ कि भाई अगर इसका जो डिफरेंस है लेस देन एफसाइलन आ जाता तो ये भी कन्वर्ज कर जाती लेकिन यहाँ पर एफसाइलोन से ग्रेटर कितना भी ग्रेटर आ सकता है इज एफसाइलोन पॉजिटिव नंबर है ना जितना इनका डिफरेंस ग्रेटर आएगा तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी ठीक है ना तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि भाई एक्शन तो कन्वर्स कर रही है ए पॉइंट को सीक्वेंस अच्छा यहाँ पर सीक्वेंस लगाओगे भाई ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है कि हमें एक्शन को सीक्वेंस इस टाइप से कि एक्शन सीक्वेंस तो ए को कन्वर्स कर रही है बट एफ ऑफ फैक्शन कन्वर्स नहीं कर रही है बट हमने तो कहा था कि भाई अगर एक्शन ए एक को कन्वर्स करेगी तो डेफिनेटली एफ ऑफ फैक्शन एफ एक ऑफ ए को कन्वर्स करेगी तो ये क्या आ जाती है कंट्राडिक्शन विच इज नॉट ट्रू

हमारे जंक्शन अगर गलत है तो सही क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो प्रूव करती है कि एफ कॉन्टीन्यूअस है ए पॉइंट पर इस टाइप से आपको प्रूव करना है अंडरस्टैंड इसके बाद कुछ एलज्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन यानी कि आपको प्रूव करना है कि एफ ओ एफ प्लस जी अगर हम यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं हमें बताना है कि अगर एफ फंक्शन ये भी ए पर कॉन्टीन्यूअस है जी फंक्शन ये भी ए पर कॉन्टीन्यूस है तो हमें बताना है एफ़ प्लस जी भी ए पर कंटीन्यूस होगा एफ़ माइनस जी भी ए पर कॉन्टीन्यूस होगा इस टाइप से ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है कुछ ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं तो आप ये बिल्कुल इजीली कर सकते हो कोई भी अगर डाउट आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं इन थ्योरम्स को अच्छे से कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं फॉर योर एग्जाम ऑल्सो एंड योर नॉलेज ऑल्सो अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल uh, लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते नेक्स्ट क्लास में बाय टेक केयर